नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे करते हैं। जैसा आप मोबाइल में कर सकते हो, इसमें इजी तरीका है। आपके पास 16 नंबर फार्म होना चाहिए, प्लस 26 AS को एक बार चेक कर लेना है कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा पैसे मतलब रिफंड के लिए प्रोसेस किया गया नहीं किया गया, उसमें फाइल किया गया नहीं किया। एक बार 26 AS देख लीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में भी डाल रखा हूँ कि 26 AS फॉर्म कैसा देखते हैं। इसी में आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में जाके, इसी वेबसाइट में आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी देखेंगे, अभी नेक्स्ट इस बार हम भरेंगे कि असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे किया जाता है। देखो, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है ई फाइलिंग वेबसाइट में जाके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल नो का ऑप्शन आता है, तो इसमें फाइल नो पर क्लिक कर देना है। फाइल नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर आएगा, तो करंट 2023-24 को कर लेना है, फिर ऑनलाइन कर लेना है, तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू आपको कर देना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक भर रखा हूँ इनकम टैक्स फाइलिंग, ताकि आपको इजी हो जाए, समय आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, आपका नया फाइल आपको भरना है तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है आपको नीचे। अगर आपको यहाँ पर रिज्यूम कर रखे हो तो यहाँ पर सेव रहता है, तो हम हमारा एक यहाँ पर सेव कर चुके हैं, रिज्यूम फाइलिंग में चले जाएँगे। यहाँ पे देखिए, एक एक फाइल एक एक फॉर्म हम भरते जाएंगे। इसको ओके कर दीजिएगा, पापा पता है तो। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शन 3, और उसके बाद टैक्स पेड, उसके बाद यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, ये 5 ऑप्शन में आपको भरना पड़ता है। सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं पर्सनल डिटेल पे। आपको पर्सनल डिटेल भरोगे तभी आपको कन्फर्म का सिंबल मिलेगा और नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको खुलेगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आपको सबसे आसान तरीका है कि आपको पूरा डिटेल देखना है। आपका मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया, आपका ये पूरा देखना है, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लिक कर देना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन 139(1) ही रहने देना है, क्योंकि हम टाइम से पहले ही भर रहे हैं, तो इसको 1 ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे 115 BAC है, इस पर 9 रहने देना है, आपके लिए अलाउड नहीं है। तो ये पोस्ट पर्सनल के लिए है, 16 नंबर फार्म के साथ जो ITR भरना चाहता है उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर वगैरह देख लेना है कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह सही है या नहीं। अगर इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो यार्ड एनदर पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है, आपका पहला सेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेकंड सेक्शन आपका आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक पहला फार्म भरने के बाद आपका सेकंड फार्म ओपन हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक करके 16 नंबर फार्म के साथ मिलाते हुए आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले देखिए सेक्शन 10-14 A आएगा, इसमें आपको क्या दिखाना है, आपका जो वर्दी अलाउंस वगैरह मिलता है। यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। अगर आपको और कुछ भरना है तो यहाँ पे इस रूल में जाके देख सकते हो क्या भरना है। यहाँ पे देखिए ट्रैवल अलाउंस वगैरह हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ट्रैवल ऑफ कॉस्ट, ये आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टूर ऑफ ट्रांसफ़र, ये पूरा आइटम इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको यस करके, यहाँ पे हमारा जो 16 नंबर फार्म है आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 10,000 रुपये का हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है, तो हम वही यूनिफॉर्म अलाउंस इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10,000 रुपये आपको दिख रहा होगा, ये 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपये भरने के बाद नेक्स्ट आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10-14-2 में आपको जो CA मिलता है दो बच्चों का, हर महीने का 100 रुपये एग्जम्पशन है एक बच्चे का, मतलब एक बच्चा का 1200 रुपये साल का एग्जम्पशन है, दो बच्चों का जो है 2400 रुपये आपको एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी जो अगर हॉस्टल सब्सिडी वगैरह ले रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 300 रुपये पर महीना, तो मतलब उसी के हिसाब से आप 12 महीने का काउंट करके उसको जोड़ देना है। और उसके बाद आप रिस्क लोन्स वगैरह ले रहे हो, RS फैक्टर में हो, रिस्क लोन्स वगैरह ले रहे हो, CAs का ड्यूटी ले रहे हो, TADA ले रहे हो, TPT ले रहे हो, उसका भी आप यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हो। जैसे कि हमारे केस में 4,200 रुपये हम पर मंथ रिस्क अलाउंस का हम एग्जेम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे अलाउंसेस जो है 10,000 का लगभग है। यहाँ पे हम इसमें दिखा रहे हैं कि 50,400 रुपये टोटल 12 महीने का। ठीक है दोस्तों, एग्जेम्पशन हम दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे HRA देखिए दोस्तों, हमारा 60,000 रुपये हम HRA का पे कर रहे हैं रेंट में रह के, तो वहाँ का डिटेल हम डाल दिए हैं, 60,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए हैं। और उसके बाद अगर आपके HRA का है तो आप इसमें लिख सकते हो।
उसके बाद देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है एग्जम्पशन रिपोर्टेड ट्रैवल अलाउंस। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीए वगैरह मिला है और आपका ट्रैवल अलाउंस वगैरह मिला है तो आप इस रूल में भी पढ़ सकते हो, वो आप यहाँ पे भर सकते हो। हमारे केसेस में 42,500 रुपये तो हम यहाँ पे भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे और एग्जम्पशन लेना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर इसके अंदर आपका कोर्स आ रहा है, एम्बेसी आ रहा है, उसके बाद आउटसाइड इंडिया अगर गए तो उसका है ग्रेचुटी रिश्यूड हुआ है अमाउंट का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ आपका यहाँ पे नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब आप दोस्तों इसमें कंटिन्यू करने के बाद और एक ऑप्शन खुलता है, ये देखिए आपको 16 नंबर फार्म के साथ इसमें चलना है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर फार्म और आपका एक्चुअल जो अमाउंट है उस पर चलना है। यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे इसको एडिट कर देना है। आपको अगर भरना है दोबारा, अगर चेक करके भरना है तो यहाँ पे एडिट कर दीजिएगा। एडिट करने के बाद आपको फिर 16 नंबर फार्म को ओपन करके उसी के साथ इसके साथ मैच करना है। यहाँ पे देखिए हम ग्रॉस सैलरी दिखाया है 10,67,557 रुपये, आपको दिख रहा होगा। ये जो अमाउंट है हम 16 नंबर फार्म से उठाए हैं। यहाँ पे देखिए 16 नंबर फार्म आपको मैं दिखाता हूँ। 16 नंबर फार्म में क्या है, आपको जो ग्रॉस सैलरी है, आपका जो ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे देखिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 10,67,557 रुपये, यही अमाउंट हम इसमें दिखाए हैं हमारा है टोटल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 17-2 और 17-3 में माइनस है हमारा, जीरो है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है, ये कंट्री वाला ऑप्शन, इसको डिलीट कर दीजिएगा। ये हमारे लिए अलाउड नहीं होता है, तो आउट ऑफ कंट्री वाले के लिए होता है, तो हम इसको डिलीट कर दिए। उसके बाद एग्जम्पशन अलाउंस यहाँ पे फिर से शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये हमारा जो ट्रैवल अलाउंस ये मिला, यूनिफार्म अलाउंस मिला था उसका ऐड किए थे तो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 50,400 रुपये रिस्क अलाउंस का हम ऐड किए थे तो वो दिखा रहा है। यहाँ पे 7,200 रुपये एचआरए का दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंस जो मिला था ट्रांसपोर्ट टीए, तो हमने यहाँ पे 42,500 रुपये दिखा दिया और टोटल हमारा बन रहा है इसमें 4,000 रुपये। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का मिलता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये सबको मिलता है 50,000 रुपये, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया तो टोटल हमारा 8,54,000 रुपये रिमेन बच गया, जितने में 10 लाख समथिंग में 8,54,000 रुपये बच गया। तो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन खुलेगा पूरे एग्जम्पशन का डिडक्शन का एक एक करके हम भरते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर फार्म के साथ हम चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो इनकम पूरा आप भरे हो तो वहाँ पे दोबारा दिखा रहा है, तो आप इसको एक बार दोबारा कन्फर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1,35,000 रुपये हमने इसका दिखाया, हाउस प्रॉपर्टी का दिखाया है। यहाँ पे जो हम होम लोन लिए हैं तो उसका हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। आपको अगर भरना है इसमें एडिट करके आप भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसमें माइनस होके अमाउंट आएगा ब्रेकअप के लिए। यहाँ पे 4,932 रुपये जो हमारा रिफंड का अमाउंट मिला है वो ऑटोमेटिक शो करेगा, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यस करिएगा, इसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा तो आप इसमें यस चेक मार्क कर दीजिएगा। और उसके बाद 7,24,000 रुपये आपका बन रहा है वो, मतलब रिफंड मिला के। उसके बाद एग्जम्प्ट इनकम, यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन, अगर आपको पुलिस मेडल वगैरह मिला है तो यहाँ पे यार्ड एनदर पे क्लिक करके आप जा सकते हो। आपका बर केस में जो पुलिस मेडल का अमाउंट मिलता है हर महीना वो पूरा एग्जम्पशन आपको मिलेगा। पुलिस मेडल, सेना मेडल हो गया, शौर्य चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, अगर किसी को मिला है तो यार्ड एनदर पे करके आप इसको भर सकते हो। उसके बाद हम अभी इसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट जो डिडक्शन का ऑप्शन खुलेगा हमारा, अभी पहला वाला जो ऑप्शन था सबसे पहला, मतलब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, वो फिलअप हो गया। ग्रास टोटल इनकम हो गया, वो फिलअप हो गया। ये कन्फर्म होते जाएगा, एक एक आप भरते जाओगे तो कन्फर्म होते जाएगा। हमने पहले ही भर के इसको सेव किया है इसीलिए कन्फर्म सब दिखा रहा है। अब हम इसमें तीसरा ऑप्शन में जाएंगे, डिडक्शन वाले में। डिडक्शन वाले में जैसे कि आप देख रहे हो आपका जो इंश्योरेंस वगैरह है आप पूरे इसी में दिखा सकते हो। इंश्योरेंस का अमाउंट हो गया 1,50,000 रुपये आप दिखा सकते हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है डिडक्शन, यहाँ पे डोनेशन अगर आप दिए हो कहीं पे तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। हमारा तो यस है, हमने यहाँ पे भर भी रखा है, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। चैरिटी जो ट्रस्ट होते हैं उसमें दिया हुआ है 20,000 रुपये का अमाउंट। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर दिया है तो हमारा नील है, यहाँ पे ए भी नील है, ATGG वाला भी। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट वाला,
इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे इसमें आपको 1.5 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। इसमें क्या दिखाना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस का दिखाना पड़ता है, और उसके बाद या जीपीएफ वगैरह आप कटवा रहे हो उसका दिखा सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो अमाउंट है, जैसे कि एसएसए सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई जो बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, अगर बेटी के नाम से कोई ना कटा रहा है पैसे, तो पूरा एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। टोटल आपको हमारे यहाँ पे 16 नंबर फार्म में 2,92,360 रुपये दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे पूरा अमाउंट वो डाल दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ हमारा जो 16 नंबर फार्म में, यहाँ पे देखिए। और एक बात बताया था मैं, 50,000 रुपये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे देखिए 16 नंबर में 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो यहाँ पे हम दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे ईटीसी में 11 नंबर में देखिए, ईटीसी में 11 नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए 2,92,000 रुपये हमारा यहाँ पे लिया है हमने। यहाँ 2,92,360 रुपये भी दिखा सकते हो, जीएस का जो 360 रुपये कटा हुआ है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 1.5 लाख का ही। यहाँ पे आगे भी दिया है एग्जेम्पशन, सिर्फ 1.5 लाख का मिलेगा। तो हमने पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देखिए पूरा अमाउंट हमने 2,92,360 रुपये लिख दिया है यस करके। उसके बाद नेक्स्ट CCD 2, इसमें देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CCD 2 में अगर आप DCPS का अमाउंट आपको गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जा रहा है, तो आप इसमें दिखा सकते हो। अगर आपको नहीं दिया जा रहा है, जीपीएफ वाले है, तो यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो DCPS का हकदार है उनके लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो आप अमाउंट यहाँ पे यस करके भर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ATD में हम भरे हैं, मेडिकल चेकअप का होता है। सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स हो गए, अगर आपके खुद कोई सीनियर सिटीजन है, अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस किए हो, तो यहाँ पे आप भर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट ATE है, इसमें अगर आप हायर एजुकेशन के लोन लिए हो तो इसमें भर सकते हो। अगर आप हमारे तरफ से तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का, सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता है हर साल मार्च में, वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाना है। अगर आप 10,000 तक आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 10,000 तक। 10,000 के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे यस कर दिए हम, एलिजिबल क्लेम टू अदर डिडक्शन। यहाँ पे इसके अंदर अगर आपका कुछ आ रहा है, तो आप भर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोन टेकन रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी का हमने भर दिया 50,752 रुपये, 50,752 रुपये जो हमारा जो होम लोन का इंटरेस्ट है, वो हमने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन अगर दिए हो, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर ऑप्शन जो आपने भरा है अभी तक, इसको दोबारा चेक करने के लिए आएगा। अब आप इसको दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार तसल्ली से, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे बढ़ना है। हम जैसे कि पूरा हम डिडक्शन दिखा दिए, तो 2,92,000 रुपये हम दिखाए थे ATC में, लेकिन हमको 1.5 लाख इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में तो हमारा नील था। उसके बाद हाउस लोन जो है, होम लोन जो है, उसका इंटरेस्ट हम यहाँ पे दिखाए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दोबारा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CRAT फंड का हमने लिखा था कि 20,000 रुपये हम दिए हैं, तो यहाँ पे 20,000 रुपये लिख दिया ATG में। आपको इसको कैसा दिखाना है, एडिट करके दिखाता हूँ। अगर आप मान लो कोई CRAT ट्रस्ट है, वहाँ पे आप अमाउंट दे रखे हो, मतलब आपने दान किया हुआ है, वहाँ पे PAN ID नंबर के साथ आपको रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट में जो अमाउंट आपको लिखवाओगे, वही अमाउंट आप इसमें भरना है कि हमने इतना पैसे इसका ट्रस्ट में डाल दिया था। और ट्रस्ट आईडी में जब आप PAN ID वगैरह नहीं होता, तो फिर आपको दिक्कत होगी भरने में, उसमें PAN ID होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे 20,000 रुपये भरा है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए उसका PAN ID यहाँ पे हम डाल दिया है, ये देखिए ये PAN ID डाल दिया है, कौन सा ट्रस्ट है और उसका एड्रेस क्या है, वो भर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने 100% डोनेशन एंटाइटल ले लिए, और उसके बाद डोनेशन मोड यहाँ पे अदर होना चाहिए, अगर आप कैश में दिए हो तो वो नहीं माना जाएगा, अदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है, 20,000 रुपये हमारा यहाँ पे एलिजिबल डोनेशन के लिए है, तो यहाँ पे 20,000 रुपये का आपको मिलेगा एग्जेम्पशन। ठीक है दोस्तों, इसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद वही अमाउंट इसमें नीचे दिखाएगा वेरीफाई के लिए, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको टोटल 2,45,000 रुपये का जो है आप डिडक्शन इसमें आपको कवर हो रहा है। अब भले इसमें ज़्यादा भरे हो, लेकिन आपको इतना ही मिलेगा,
क्योंकि ATC में तो आपको 1.5 लाख ही मिलेगा, 2,52,000 रुपये भरे हो। उसके बाद आपको ATG में 20,000 का 20,000 मिला। यहाँ पे देखिए, देखो होम रेसिडेंशियल जो अलोन ये है, मतलब उसको इंटरेस्ट दिए हो 50,752 दिए हो, लेकिन 50,000 एग्जेम्पशन मिल रहा है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह 33,000 है, लेकिन 25,000 रुपये का आपको मिलेगा। उसके बाद देखो इसको टोटल 2,45,000 हो गया, तो आपको इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है टैक्स पेड का। आप इसमें बहुत ईजी है, ये वाला ऑप्शन बहुत ईजी है। आपको 26S आप जब कंफर्म करते हो तो आप इसमें आराम से ईजीली आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे फाइल नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा आपका, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के द्वारा हमारा कैसा फाइल किया है, यहाँ पे शो डिटेल्स पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे पूरा देखिए ग्रुप सेंटर के द्वारा टोटल अमाउंट यहाँ पे 57 ये देखो 87,352 रुपये 72 रुपये यहाँ पे पेड किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेना है और आपका पूरा भरा है नहीं भरा है, जितना आपका 16 नंबर फार्म में कटा है अमाउंट उतना इसमें होना चाहिए। उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद लास्ट ऑप्शन बचता है वो देखो लियाबिलिटी का बचता है। ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। टैक्स टोटल टैक्स लियाबिलिटी जो आपको, मतलब इसमें ये बताता है कि आपका कितना अमाउंट है और कितना आपको इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, एग्जम्पशन मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे टोटल 7,24,000 रुपये बन रहा है ग्रॉस इनकम, और टोटल डिडक्शन आपको 2,45,000 रुपये मिला। आपका टोटल इनकम जो है 4,79,000 रुपये आपको बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4,79,000 रुपये आपका इनकम बन रहा है, तो आपको 5 लाख के अंदर आ गए, तो आपका पूरा यहाँ पे लायबिलिटी मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है। ठीक है दोस्तों, कन्फर्म करने के बाद इसमें क्या करना है, और एक बात, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है टोटल ये 5 पार्ट पूरे होने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, आप इसमें प्रोसीड कर देना है। ये पूरे 5 फार्म भरने के बाद प्रोसीड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 87,370 रुपीज़, यानी कि आपका जितना पैसे भरे हो इनकम में उतना पूरा पैसा आपको रिफंड हो रहा है। उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप प्रियो रिटर्न करके आप इसको फार्म को पढ़ सकते हो। प्रियो रिटर्न का ऑप्शन आता है, तो आपको दोबारा आपने जो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सेल्फ कर देना है। उसके बाद कहाँ से भरा जा रहा है उसका प्लेस का नाम आएगा, इसमें ऑटोमेटिक आता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चेक मार्क डालना है, यहाँ पे सेल्फी रहने देना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। लास्ट में प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद जो आपने अभी तक फार्म भरा है वही फार्म यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आपने जो जो एग्जम्पशन दिखाया है, डिडक्शन दिखाया है, टोटल यहाँ पे वही दिखाएगा जो आपने क्लिक किया है अमाउंट पे, टोटल आपको दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जैसा कि 10,000 रुपये यूनिफार्म अलाउंस हो गया, उसके बाद 50,400 रुपये रिस्क अलाउंस का हो गया, 60,000 रुपये HRA का हो गया, उसके बाद ट्रैवल अलाउंस 42,000 रुपये हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हो गया, ये सब वही दिखाएगा जो आपने अभी भर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको नीचे जाना है, सबसे लास्ट में जाना है, इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद ये अभी ई वेरीफाई करेगा। ई वेरीफाई मीन्स आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उस पर चला जाएगा। अभी देखो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यहीं तक अगर आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको नेक्स्ट क्या कर देना है, प्रोसीड टू वेरीफिकेशन। यहाँ देखिए ये ऑप्शन पे जो है प्रोसीड टू वेरीफिकेशन पे क्लिक कर देना है, तब आपका माना जाएगा। अब तक आपका सेव है, जब तक आप आधार OTP नहीं डालते हो तब तक आपका ये नंबर आपका जो नोट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखिए ई वेरीफाई के लिए बोल रहा है, यहाँ पे रिकमेंडेड है, ये वाला ऑप्शन जो है रिकमेंडेड है ई वेरीफाई। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो बाद में कर सकते हो, और ITR 5 में भी कर सकते हो। यहाँ पे भी हम अभी करेंगे ई वेरीफाई 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आधार OTP है, बैंक ऑप्शन है, और आपको EVC है इलेक्ट्रिक वाला। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन मांग रहा है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे उस पर देना चाहते हो, DSC से देना चाहते हो, नेट बैंकिंग से द्वारा देना चाहते हो, थ्रू बैंक अकाउंट से देना चाहते हो, डीमैट अकाउंट से देना चाहते हो, सब ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आधार OTP पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे
कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आधार ओटीपी भी अभी इसको भरेंगे। यहाँ पे एग्री कर देना है, जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी नंबर आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आधार ओटीपी नंबर डाल के वैलिडेट कर देते हैं। तो उससे यहाँ पे आप आधार ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। ये देखिए, वैलिडेट करने के बाद आपको कंफर्म सबमिशन आप रिटर्न पूछ रहा है। अगर आप एक बार रिटर्न को सबमिशन कर देंगे तो आपको एडिट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आपको एक बार पढ़ लेना है सबसे, मतलब आपको प्रोसीड करने से पहले आप प्रीव्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए, अभी ये बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अगर आप रिटर्न वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो रिसिप्ट को, यहाँ पे अभी डाउनलोड कर सकते हो। अब भी आपका ये पूरा सक्सेसफुली ये हो गया है, मतलब सबमिट हो गया आपका ITR। ये ईजी प्रोसेस है। अब यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर आप जा सकते हो। आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने कब भरा और रिटर्न प्रोसेसिंग क्या हो रहा है। यहाँ पे आप बार बार आपको ऑप्शन ढूंढ सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पे मतलब फार्म जो भरा है उसका रिसिप्ट आपको डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये जो ऑप्शन जो है बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, आपको बस इसमें भरना चाहिए ठीक से। यहाँ पे आएगा PDF फार्म है वो, मैं आपको यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जाके ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स, ठीक है दोस्तों, इसमें जाके भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो फार्म है यहाँ पे देखिए, आज ही June 20, 2020 को हमने भर दिया है। हाँ, ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट आ रहा है। ये रिसिप्ट आप देख सकते हो, आपका यहाँ पर रिसिप्ट पढ़ के मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिसिप्ट हमारा डाउनलोड हो चुका है और अभी ओपन हो रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आपका टोटल 8,987,372 रुपये है। आपका टोटल यहाँ पे हो रहा है रिफंड 8,737,372 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही इनकम टैक्स का रिटर्न का जो फाइल भरते हो तो ईजी तरीका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए अपने चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। Thanks for watching.